आदित्य कुमार सिक्स क्लास में पढ़ते हैं। सिक्स क्लास में पढ़ते हो। तो चलो यार आज से स्टार्ट करते हैं कैंपस टूर की सीरीज का। सो फर्स्ट कॉलेज है फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी एंड आज मैं और प्रफुल चल दिए कॉलेज का टूर देने के लिए। तो लेट्स गो थोड़ी देर फिर हम गए कॉलेज के लिए। इधर ही कुछ इंडियंस भी रहते हैं साइड में, पर यहाँ फ्लोरिडा में बहुत ही कम इंडियंस है, ऊपर से नॉर्थ इंडियन तो बहुत ही कम है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई कैसा लग रहा है यूएस में, क्या है। तो मिक्स फीलिंग होती है, कभी घर की याद आती है, कभी अच्छा लगता है, पर ओवरऑल अभी तक एक्सपीरियंस तो अच्छा है। तो कुछ फीलिंग तो मतलब कैसे बताऊँ, कुछ पुनीत भाई जैसी लगती है, जैसे कि फिर उसके बाद ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पे सारी कार्स वगैरह खड़ी है, टू व्हीलर के लिए पार्किंग इधर आ गई है। सो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की। फिर आ गया ब्रीज वे, ये यहाँ पे जो भी इवेंट मोस्टली होते हैं यहाँ पे एडवर्टाइज होता है ब्रीज वे पे ही। फिर ये ब्रीज वे हो गया, ये सारे हॉल वगैरह सारे ब्रीज वे से ही कनेक्टेड है। फ्लेमिंग हॉल हो गया, कॉलेज ऑफ बिजनेस हो गया, ये सारे जो हॉल है ब्रीज वे से ही कनेक्टेड है। उसके बाद आ जाते हैं अपन ब्रीज वे के बाद आएगा इधर लेफ्ट साइड में है पेरोल का ऑफिस, फिर राइट साइड में है लर्निंग सेंटर जो कि 24/7 ओपन रहता है। फिर यहाँ से राइट लेंगे तो लाइब्रेरी है, फिर स्ट्रेट फिर यहाँ पे फूड ट्रक आ जाती है, यहाँ पे बुक स्टोर है। उसके बाद आ जाते हैं अपन, हाँ ये सैलून का है, ये हेयर सैलून का है। फिर आ जाता है ब्रीज में, यहाँ पे सब पांडाज है, फिर आइंस्टाइन है, स्टारबक्स है, सब खाने वगैरह का ब्रीज वे में है। फिर ये है टॉप व्यू, यहाँ से बढ़िया लगता है भाई। फिर ये ब्रीज वे के ऊपर का है, सो ये ब्रीज वे के ऊपर अपन जाएंगे। ये स्टूडेंट सर्विस है, यहाँ पे कूपन्स मिलते हैं मील्स। फिर हाँ ये वही है लर्निंग सेंटर जो कि 24/7 ओपन रहता है। फिर यहाँ से ब्रीज वे की जो टेरेस है वो ख़त्म होती है। इसको यहाँ से अपन ने एंट्री ली थी थोड़ी देर पहले, यहाँ राइट साइड में अपन ने पार्क किया था स्कूटर अपना। फिर आ जाते हैं, ये भी पार्किंग है। फिर आ गए अपन फ्लेमिंग हॉल, यहाँ पे मेरी फर्स्ट सेम में क्लासेस थी फ्लेमिंग हॉल में। फिर भाई ये तो इसको बाल से इसको उड़ना था भाई, पता नहीं। फिर ये इसको देख के प्रफुल भाई को कुछ हो गया, तो प्रफुल भाई भी उड़ने लगे। फिर हम गए, आ गया कॉलेज ऑफ बिजनेस आगे, कॉलेज ऑफ बिजनेस यहाँ पे अब मोस्टली मेरी क्लास यहीं पर होती है। उसके बाद पता नहीं क्या कर रहे थे दोनों। फिर यहाँ से रिटर्न होके हम जाते हैं कैंपस रिक्रिएशन सेंटर, तो यहाँ पे जिम है और आज पता चला कि पार्टी भी है, कुछ पूल पार्टी है। तो चलो देखते हैं क्या है अंदर। तो ये जिम में गए हम अंदर, बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पे, बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज चल रही है। एक अंकल है वो कब से साइकिलिंग करे जा रहे थे, पता नहीं क्या हो गया उनको, आज बास्केटबॉल चल रही है। उसके बाद भाई क्या खतरनाक लग रहा है ये अंकल, पता नहीं क्या हो गया उनको। फिर चलते हैं
पार्टी में, पूल पार्टी। भाई यहाँ जो पूल पार्टी होती है भाई, नेक्स्ट लेवल। वैसे हर फ्राइडे होती है मोस्टली पूल पार्टी। देखो अर्जुन भाई को आ गए पूल पार्टी में कुछ फ्री सामान लेने के लिए। हम ये रहा फ्री सामान, ले लो पानी और जूस है। फिर ये रही पार्टी, थोड़े जल्दी आ गए थे पार्टी तो इसलिए अभी थोड़ा माहौल कम है। फिर ये सब चल रहा है डांस वांस, ये सब गाने मस्त चलते हैं भाई पार्टी के, जो गाने होते हैं ना। अब इसके बाद अपन चलेंगे स्टेडियम। स्टेडियम है कैंपस रिक्रिएशन के राइट साइड में, तो स्टेडियम है और स्पोर्ट्स म्यूजियम है। तो ये इनको भी पता नहीं कुछ टास्क मिला था फ़ोटोज़ लेने का, तो फ़ोटोज़ ले रहे थे गाड़ी के। फिर यहाँ पे म्यूजियम में जाएंगे अपन, पहले स्टेडियम देख लेते हैं फिर उसके बाद जाएंगे अपन म्यूजियम में। तो यहाँ पे भी कुछ शूटिंग चल रही थी, हर जगह अभी तो शूटिंग ही चल रही है, पता नहीं क्यों शूटिंग। हाँ दोनों वाली शूटिंग, दोनों वेपन्स वाली भी और कैमरा वाली भी। फिर उसके बाद हाँ ये आ गया स्टेडियम। स्टेडियम बहुत ही अच्छा है, कभी गेम होगा उसका वीडियो बनाऊंगा मैं। फिर आ जाते हैं अपन म्यूजियम, स्पोर्ट्स म्यूजियम। ये तो यहाँ तो मैं पहली बार आया, इतना बढ़िया बना रखा है ना ये। तो इनका अलग से ही जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं एथलीट्स वगैरह, उनके लिए जिम अलग है, उनके लिए खाने का अलग है, एक्सरसाइज अलग है। फिर हम आ जाते हैं ग्राउंड अलग है। फिर आ जाते हैं अपन लाइब्रेरी पे। तो ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है कहीं की, तो मोस्टली मैं यहीं पे रहता हूँ लाइब्रेरी में। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट व्लॉग काय पे बनाऊँ, यूनिवर्सिटी पे या फिर फ्लोरिडा को और एक्सप्लोर करूँ। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।